Welcome to my channel Science with Mousmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science, class 10, chapter 6, life processes, part 3. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part, we are going to discuss about heterotrophic nutrition. You know, heterotrophic nutrition, you have studied it earlier in 7th class. It is of three types of nutrition: holozoic, saprophytic, and parasitic type of nutrition. We will study it in detail. Then, how do organisms obtain their nutrition? Jaise nutrition of single cell organisms like amoeba paramecium. Phir hum discuss karenge nutrition of multicellular organism. And we will go detail about nutrition of human beings. जिसमें हम पढ़ेंगे कि मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल, हाउ फूड पासेस फ्रॉम वन ऑर्गन टू द नेक्स्ट एंड द एंजाइम्स एसोसिएटेड विद इट वर्क्स, हाउ द कॉम्प्लेक्स फूड टर्न्स इनटू सिंपलर वन. ओके, लेट्स कम टू द चैप्टर. जैसे हम क्लास 7 से जानते हैं, कुछ आपका फंडामेंटल क्लियर कर लेते हैं. क्लास 7 पर हमने पढ़ा था देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हमारी होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक. तो होलोजोइक में क्या होता है, द एनिमल द ऑर्गेनिज्म टेक द फूड एज ए होल एंड ब्रेक इट इनसाइड द बॉडी. ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को वो सिंपलर कर देता है, एज ए होल वो इंटेक कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर. और सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, द फूड इज मेड सिंपलर आउटसाइड द बॉडी. जैसे हमारे फंजे हो गया, तो फिर ये पहले उसको गला देता है, देन इट एब्जॉर्ब्स द जूस. ओके, और हमारे थर्ड टाइप होता है पैरासाइटिक. पैरासाइटिक में क्या होता है, एक एनिमल दूसरे एनिमल के अंदर रहता है, ना इसको मारता है काटता है, बस उसका जो चाहिए उसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर उसे चूस लेता है, जिसके अंदर आएंगे हमारी ये लीचेस, हमारे टिक्स, लाइस, लीचेस, टेपवर्म्स, ये सारे. तो फिर इसी के बारे में ही इसी पैराग्राफ में कहा गया है. चलिए शुरू करते हैं. ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट. हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट से एडप्टेड है. तो फिर द फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. तो फिर ये फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये दो बात के ऊपर डिपेंड करता है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि किस टाइप ऑफ खाना मिल रहा है और कितना मिल रहा है, एज इसके ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप ऑफ खाना मिल रहा है, टाइप ऑफ फूड, एंड कितना मिल रहा है, सफिशियंट मिल रहा है कि कम मिल रहा है. जैसे देखिए इसका एक एग्जांपल है, एक होता है हमारी फूड स्टेशनरी हो, जैसे कि हमारे ग्रास हो गया, या फिर फूड मोबाइल हो, जैसे हमारे डियर हो गया. तो फिर जब काओ ग्रास खाता है, ग्रास तो स्टेशनरी होता है, वहीं के वहीं वो रहता है, वो कहीं भागता नहीं है, तो आराम से खाता है, उसी का मोड ऑफ इंटेक अलग होगा. और जैसे हमारी डियर, भागता हुआ डियर को हमारी टाइगर रन करके उसको कैच करता है, उसका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अलग होगा. तो फिर वुड अलाउ द डिफरेंस इन हाउ द फूड इज एसेस्ड. तो फिर इसको तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, ग्रास जो है काउ को इजीली अवेलेबल हो जाता है, जबकि डियर बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता. द इसमें द अपैरेटस यूज्ड बाय ए काउ एंड लायन कैसा होगा, तो देयर इज ए रेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज बाय व्हिच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स. तो फिर कौन किस तरीके से, किन स्ट्रेटेजी से अपना खाना खाएगा, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. तो सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड, जिसे हमने बताया था कि कौन है ये, हमारी सेप्रोफाइट्स जो है, सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के बाहर वो खाना को पहले ब्रेक डाउन सिंपलर कर देते हैं, देन एब्जॉर्ब इट. और इसके अंदर आते हैं हमारे फंजी लाइक ब्रेड मोल्ड्स. आपकी ब्रेड दो दिन का सूखा पड़ा है तो फिर क्या होता है, वो फिर गल जाता है और उसको वो फंजी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. और इसमें हमारी ईस्ट है, मशरूम्स है, ये सारे मशरूम वगैरह खरीद के लाओ मार्केट से और दो दिन बाहर छोड़ दो तो वो सड़ जाएगा, है ना, गीला गीला हो जाएगा. तो अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इन साइड देयर बॉडी, एज ए होल खाना तो ले लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर ही उसको ब्रेक डाउन करते हैं खाना को, ये जो हम होलोजोइक बताए थे ये इसी कैटेगरी में. और कहाँ पर ऐसा होता है, हमारी मैन में होता है, एमीबा में होता है. तो व्हाट कैन बी डन इन टेकन इन द ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग. तो फिर अपना बॉडी के डिजाइन के हिसाब से उनका जो खाना इंटेक ऑफ खाना होता है. तो सम अदर ऑर्गेनिजम्स कुछ होते हैं, जैसे कि हमारे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है,
दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि दूसरे प्राणियों से अपना न्यूट्रिशन को ड्रॉ करते हैं विदाउट किलिंग देम। एक बात का ध्यान रखना कि वो उसको किल नहीं करते, उसके ऊपर डिपेंडेंट तो है पर ऐसा नहीं कि उसका जान ले ले अपने खाना के लिए। तो यही है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और इसके अंदर आते हैं हमारी प्लांट्स में से कुसकुटा, निर्मली लता बोलते हैं ना, या फिर अमरबेल, और फिर हमारे टिक्स, हमारे लाइस। आपके लाइस कहाँ होते हैं? आपकी बाल, आपकी हेयर जब आप क्लीन नहीं रखते हो ना तब लाइस हो जाते हैं और फिर आपको खुजली होने लगती है। ऐसे ही है लीचेस और हमारी टेपवर्म। तो आइए हम देखते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स आफ्टर देयर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स को अपना खाना वो कैसे अवेल करते हैं। सिंस द फूड एंड वे इट इज ऑफ्टन डिफर, यानी कि किस प्रकार से खाना अवेलेबल हो रहा है और किस प्रकार से उसको वो ऑफ्टन करेंगे, अपने बॉडी के अंदर लेंगे, ये डिफर करेगा। उसी हिसाब से उन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे मान लीजिए हमारी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और हमारी डबल सेल्ड हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, जो एंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी है वो एक्सपोज टू एनवायरमेंट होता है, इसीलिए उसके लिए। पर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका क्या होता है, स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है कि अलग अलग, जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो गया, उसी में अलग अलग स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होंगे। हमारे स्टोमक होगा, इंटेस्टाइन होगा, माउथ होगा, हमारी दांतें होंगे, ये सब चबाने के लिए, उसको पचाने के लिए, उससे फूड एब्जॉर्ब करने के लिए, ये सारे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। पर जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मान लीजिए हमारी एमीबा, एमीबा में क्या है, सिंगल सेल है, तो फिर ये क्या करता है, टैक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जिसे कहते हैं हम सीरोपोडिया। ये देखिए यह है हमारी टेम्पररी फूड लाइक सीरोपोडिया। तो फिर उसी से वो पहले फूड के ऊपर एक टेम्पररी पॉकेट बना लेता है, फिर उसी फूड वैक्यूल्स के अंदर अपनी जो खाना को है उसको ले लेता है। ये फूड वैक्यूल्स बना हुआ है ना, फूड वैक्यूल्स के अंदर खाना को ले लेता है और उसको वही चीज फिर डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर वो खाना को वो डिफ्यूज कर देता है और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है उसको वो फिर रिमूव कर देता है। जैसे ही सरफेस से होकर लिया था, ऐसे सरफेस के, जैसे आप घर के बाहर फेंक दिया अपनी वेस्ट प्रोडक्ट को, ऐसे सरफेस सेल सरफेस के बाहर वो थ्रू आउट कर देता है। ये तो गया हमारे एमीबा की बात। अगर पैरामेशियम की बात देखें तो पैरामेशियम जानते हैं ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उसका डेफिनेट शेप होता है कैसे ककड़ी की तरह, ऐसे लंबा में ऐसे होता है, तो हम फोटो में डाल देंगे इसके। वो उसका एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, जैसे आपके माउथ होता है, आप माउथ में ही खाना खाते हो, ऐसे स्पेसिफिक स्पॉट होता है एमीबा की तरह, किसी भी जगह वो ऐसे सिरो पोडिया निकाल के अपना फूड वैक्यूल नहीं बना लेता, स्पेसिफिक स्पॉट होता है। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सिलिया, तो फिर उसका बॉडी का सिलिया है, सिलिया क्या है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स उसके थ्रू आउट द बॉडी राउंड में होते हैं और उसी के मूवमेंट की वजह से फूड उन तक, उसके वो स्पेसिफिक स्पॉट तक पहुँच जाता है और ये सिलिया एंटायर सरफेस में होते हैं, तो फिर ये भी उसका काम का आ जाता है। नाउ देखते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो फिर ये ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, आप ये पहले भी पढ़े हैं। देखिए हमारी जो ह्यूमन बींग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो फिर इसमें होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो कि बहुत ही लॉन्ग ट्यूब, ये हमारे माउथ से लेकर एनस तक होता है एंड इसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है। तो वेरियस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर काम करते हैं, ये हम एक के बाद एक डिस्कस करते जाएंगे कि कैसे हमारी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स होता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है और खाना कहाँ से होकर अंदर घुसता है बॉडी के अंदर, धीरे धीरे सिंपलर होते जाता है और उसके से हमारे एंजाइम्स वगैरह उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं हर एक ऑर्गन में और हमारी कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर हो जाएगा। आइए एक एक्टिविटी करते हैं। 6.3 हमने 1 ml ऑफ स्टार सोल्यूशन लिया, दो टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब ए में, टेस्ट ट्यूब बी में, पर हमने टेस्ट ट्यूब ए में डाला सलाइवा और इसमें हमने सलाइवा नहीं डाला, तो फिर अब हम क्या करेंगे, उसको अनडिस्टर्बली 20-30 मिनट तक छोड़ देंगे, फिर उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन देंगे दोनों में, तो क्या होगा, दोनों का कलर चेंज कुछ कुछ पाया जाएगा। आप बोलो क्या होगा,
अगर किसमें प्रेजेंस है स्टार्स का और किसमें स्टार्स प्रेजेंट नहीं है उसी हिसाब से उनका कलर चेंज होगा। कि जहाँ पर हमने सलेवा डाला था टेस्ट ट्यूब ए में, तो फिर सलेवा क्या करता है, स्टार्स को डाइजेस्ट कर लेता है, तो फिर स्टार्च बचा रहेगा बी में, इसीलिए बी में स्टार्च होने के कारण जब आयोडीन के वो कंटेक्ट में आएगा तो फिर वो हो जाएगा ब्लू ब्लैक। ठीक है, तो आइए देखते हैं, वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हम अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं और वो वही सेम डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है। आपकी थाली में कितने प्रकार के खाना होते हैं, चावल होता है, दाल होता है, रोटी होता है, सब्जी होता है, कुछ फ्रूट सलाद होते हैं, तो फिर वो सारे जब अंदर जाते हैं ना सेमी फॉर्म में जाते हैं, ऐसा नहीं कि चावल छोटा होता है और बनाना जो है बड़ा होके जाता है, सभी ऐसे चटनी जैसे फॉर्म में हमारी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में यानी कि सेम टेक्सचर में उनका जो साइज है सारे खाना का सेम साइज में ही अंदर जाएंगे। तो इसके लिए नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड, वो जो चाहे बड़ा फूड हो छोटा फूड हो उसको एक डेफिनेट प्रोसेस्ड होना पड़ेगा टू कम टू द सेम टेक्सचर, सबको समान साइज करने के लिए। और ये काम कौन करता है, हमारे टीथ। टीथ क्या करेगा, खाना को क्रशिंग करेगा, जैसे क्रशिंग ग्राइंडिंग, इसके लिए हमारे टीथ है, फोर टाइप्स ऑफ टीथ, जैसे हमारे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना। तो फिर कोई उसको कटिंग करेगा, कोई उसको ग्राइंडिंग करेगा, क्रशिंग करेगा, ऐसे करके सबको सारे प्रकार के खाना को सेम टेक्सचर में लाएंगे। और हमारी लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बहुत सॉफ्ट है, तो फिर फूड जब इसके अंदर जाएगा उसके वॉल को हॉट नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारे खाना होता है वेटेड एंड स्मूथ टू मेक इट पेसे स्मूथ, ताकि वो आराम से ऊपर से नीचे चला जाए। व्हेन वी ईट फूड, जब हम बिना दांत वाले बच्चे को खिलाते हैं, कैसे खाना खिलाते हैं, हार्ड सॉफ्ट हार्ड फूड नहीं खिलाते हैं सर, हम उसको सॉफ्ट बना के गला के फिर उसको देते हैं, ताकि उसको दांत की कमी महसूस ना हो, आराम से वो एलिमेंट्री कैनाल में उसका खाना चले जाए। तो फिर एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे ही खाना जाता है। व्हेन वी ईट समथिंग, जब हम किसी खाना जब जिसको हम लाइक करते हैं ऐसे खाना देख लें, तो फिर क्या होता है, हमारे मुंह में पानी आने लगता है। सपोज हम गए हैं आइसक्रीम पार्लर आइसक्रीम खाने, तो आइसक्रीम हमको ये टाइप ऑफ चाहिए बोल के ऑर्डर कर देंगे, फिर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। क्यों, हम खाने से पहले पानी कहाँ से आया, पानी क्या मुंह के अंदर था, दिस इज एक्चुअली नॉट वाटर बट ए फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा, अरे ये सलाइवा है, तो सलाइवा कहाँ से आ गया, ये सीक्रेटेड होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड से। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, पर हमको ये एलिमेंट्री कैनाल में ये खाना लास्ट को एब्जर्व होना है। तो फिर एलिमेंट्री कैनाल में एब्जर्व होने के लिए उसको ब्रोकन डाउन होकर और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होना है, तभी जाकर एलिमेंट्री कैनाल की जो सरफेस है उसको एब्जर्व कर पाएंगे, है ना। तो फिर दिस इज डन, ये काम आखिर करेगा कौन, इस सारे काम इतने सारे बड़े बड़े काम करने के लिए, सीरीज ऑफ काम करने के लिए हमारे पास है सीरीज ऑफ ऑर्गन्स और उसके साथ साथ हमारे कैटलिस्ट जो कि है हमारी एंजाइम्स। तो एंजाइम्स हमारे कैटलिस्ट क्या है, जो कि खुद अपरिवर्तित रहते हैं पर दूसरों को चेंज कर लेते हैं, तो फिर ये हमारे ऐसे ही कैटलिस्ट है हमारी एंजाइम्स। तो ये कौन सी ऑर्गन में कौन सी एंजाइम्स निकलेगा और उसका फंक्शन क्या होगा, एक के बाद हम डिस्कस करते जाएंगे। चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं सलाइवा से। तो सलाइवा कंटेंस एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज और इसका काम है स्टार्च डाइजेशन, यही क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को और बना देगा सिंपल शुगर। द फूड इज मिक्स थोरोली विथ सलाइवा, क्या होगा, सलाइवा उसके साथ फूड के साथ मिक्स हो जाएगा और मुंह में हमारी चारों ओर मूव अराउंड द माउथ व्हाइल चीइंग बाय द मस्कुलर टंग, हमारे मस्कुलर टंग उसको सलाइवा को और खाना को बराबर मिलाता जाएगा, यही तो है टंग की काम। तो देन उसी से होकर वो चला जाएगा हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब में। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। रेगुलेटेड मैनर में ये एलिमेंट्री कैनाल में खाना जाना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए ये है हमारी इसोफागस, ये है पतला, जब ये आएगा स्टोमक पे ये हो जाएगा बहुत चौड़ा, फिर जब चौड़ा जगह से जाएगा ये इंटेस्टाइन पतली जगह पर, फिर ये हो जाएगा पतला, तो फिर हमको बहुत कंट्रोल्ड में, जैसे हमारी ट्रैफिक
पुलिस कैसे करते हैं? रेगुलेटेड मैनर में बैच बैच करके, पहले साउथ के सारे छोड़ेंगे नॉर्थ तक, फिर लेफ्ट का सारे छोड़ेंगे राइट तक, ऐसे करके रेगुलेट करते हैं ना ट्रैफिक को, तभी जाकर अच्छा, चाहे जितना भीड़ भाड़ हो कंट्रोल वे में ट्रैफिक जाते हैं। तो फिर ऐसे ही हमारी एलिमेंट्री कैनाल में हमारी खाना रेगुलेटेड मैनर में जाना है। अब आप समझे, सो दैट इट कैन बी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट, ताकि सारी पार्ट में उसका कंटेक्ट सही हो। द लाइनिंग वाल कैनाल हैज मसल्स, अरे ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका, ये एलिमेंट्री कैनाल बना है स्पेशल मसल से, और उसका काम क्या है, ये मसल जो है ये करेक्टा रहेगा कंट्रैक्ट रिदमिकली, तो फिर ऐसे रिदमिकली ये कंट्रैक्ट करता रहेगा तो क्या होगा, खाना जो है वो पुश होके आगे बढ़ता जाएगा, और ये मसल का काम है रिदमिकली कंट्रैक्ट करना टू पुश द फूड फॉरवर्ड, ताकि खाना अपने आप आगे जाता रहे जाता रहे। और इसी मूवमेंट जो हमारी होता है वो मसल का, एलिमेंट्री कैनाल का, उसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अकर ऑल अलोंग द गट, यानी कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो ये चलता रहता है, ताकि खाना एक अर्गन से दूसरे अर्गन अपने आप चलता जाए। देखिए ऐसे में हमारे फास्ट अर्गन आ गया हमारा माउथ, इसीलिए हमने उसको नंबरिंग कर दिया 1। एलिमेंट्री कैनाल के पहले में आपको मिलेगा माउथ, माउथ से होकर हमारा खाना चला जाएगा, ये है नंबर 2 इसोफागस। इसोफागस कौन सा है, हमने यहाँ पर भी मार्क कर दिया है, देखिए ये है हमारे माउथ, फिर वो आ जाएगा इसोफागस, ये है हमारी इसोफागस, फिर हमारे थर्ड अर्गन आ जाएगा ये स्टोमक, इसीलिए हमने इसको भी मार्क कर दिया थर्ड, और फिर फोर्थ अर्गन हो जाएगा हमारी इंटेस्टाइन। ठीक है, तो फिर ऐसे एक के बाद एक चलता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे माउथ, माउथ से होकर होके, तो स्टोमक क्या है, स्टोमक इज ए, माउथ से होके खाना पहुंच गया इसोफागस होकर स्टोमक पे। आइए अब स्टोमक के बारे में डिटेल जान लेते हैं कुछ लाइंस। तो फिर स्टोमक जो है ये एक लार्ज अर्गन है, और ये एक्सपांडेड है, थोड़ा फैला हुआ है, बड़ा है, इसोफागस की तरह छोटा नहीं है, नेरो नहीं है। वेयर फूड एंटर्स, तो फिर स्टोमक में जैसे खाना एंटर करेगा, तो स्टोमक में मस्कुलर वाल्स है जो कि इसका स्टोमक में ये हेल्प करेगा मिक्सिंग ऑफ फूड थोरोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। स्टोमक में होता है हमारे तरह तरह की डाइजेस्टिव जूसेस, और इसको मिक्स करने के लिए हमारे इसका मस्कुलर वाल बहुत हेल्प करते हैं। द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है, ये स्टोमक में होते हैं और उसी से निकलेगा सिक्रेशन जो कि हेल्प करेगा फूड के डाइजेशन में। तो गैस्ट्रिक, ये वर्ड गैस्ट्रिक जो है दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ स्टोमक। ऐसे आप लीवर का कुछ, लीवर रिलेटेड करेंगे तो वो हो जाएगा हेपाटिक ग्लैंड, और ऐसे एक एक करके गैस्ट्रिक वर्ड से ही आपको, अगर आय से रिलेटेड है वो हो जाएगा ऑप्थाल्मिक, तो आपकी नोज से जुड़े हैं कुछ काम वो हो जाएगा ओल्फैक्टरी, ऐसे ही हमारे स्टोमक से जुड़े हैं वो हो जाएगा हमारे गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ऐसे ही। तो फिर ये ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की जो वॉल है उसी के वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड सारे प्रेजेंट रहते हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या रिलीज करते हैं चलिए देखते जाते हैं। पहले तो ये रिलीज करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर ये रिलीज करेंगे 2 नंबर का पेप्सिन, फिर ये रिलीज करेंगे म्यूकस, ये तीन है हमारी गैस्ट्रिक जूसेस, ये क्या क्या करेंगे। देखो हमारी पेप्सिन जो है ये क्या करता है, हमारी प्रोटीन डाइजेशन करेगा, पर ये बेचारा का कुछ कंडीशन है, ये बहुत भाव खाता है, बोलेगा देखो एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो मैं अपना काम नहीं करूँगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलता है ठीक है, हम है ना तुमको जितना चाहिए उतना एसिड प्रोवाइड करने के लिए, हम मेंटेन करेंगे आपका एसिडिक मीडियम। तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। अब पेप्सिन अपना काम करने के लिए तैयार, तो उसके लिए व्हाट अदर फंक्शंस डू यू थिंक सर्व बाय द एसिड, एसिड और क्या करता है, हमारे एसिड जो है हमारी किल्स बैक्टीरिया, हमारी जो बैक्टीरिया सारे हैं खाना में अगर रह गया है उसको वो मार लेता है, और म्यूकस का काम है जब खाना नहीं होगा ये एसिड हमारी स्टोमक की वॉल को खाए जाने का, इनर लाइनिंग को खाए जाने का चांस है, तो एसिडिक हो जाएगा, इसीलिए हमारी म्यूकस क्या करता है, इट गिव्स ए प्रोटेक्टिव लेयर एंड टू इट गिव्स ए प्रोटेक्शन टू द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। तो फिर एसिड से हमारी स्टोमक की इनर लाइनिंग को कुछ क्षति ना पहुंचे, इसीलिए हमारी म्यूकस गिव्स ए इनर लाइन प्रोटेक्शन।
फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड एंड मेंटेन ए नॉर्मल सी। तो फिर उसी हिसाब से तीनों ने अपना काम कर गए। आइए देखते आए क्या होता है। तो फिर हमारी बॉडी में जब खाना नहीं होता है, हम खाली फिर ज़्यादा देर रह जाते हैं। आप बड़ों का बहुत टाइम देखे होंगे कि वो बोलते हैं मेरा थोड़ा एसिड हो गया, आज बहुत देर तक खाली पेट में रह गया, तो इसी वजह से एसिडिटी हो जाता है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमैक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। जब स्टोमैक से होके ये आगे निकलता है, कहाँ जाएगा स्टोमैक से होके, ये जाएगा हमारी इंटेस्टाइन। तो फिर इसी में इंटेस्टाइन में वो कितना छोड़ेगा, यही हमारे रेगुलेट करता है स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल तो कैसे करता है, ये रिलीजस इट इन स्मॉल अमाउंट्स, क्योंकि हमारी स्टोमक जो है एक्सपांडेड लार्ज स्ट्रक्चर है। हमारी इंटेस्टाइन जो है, ये आप देख रहे हैं, हमारे इंटेस्टाइन जो है ये नेरो है, इसीलिए इसी जगह इसी ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए ये स्फिंक्टर मसल यहाँ पर रहते हैं, यहाँ, ठीक है। तो फिर वो रेगुलेटेड मैनर में कम कम करके छोड़ते हैं आगे, रिलीजस इन स्मॉल अमाउंट्स इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टोमक। द फूड एंटर्स इन टू, फूड पहुँच गया स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये फिटेड इन टू द कम्पैक्ट स्पेस, क्योंकि ये एक्सटेंसिव कॉइलिंग है, बहुत ही ज़्यादा इसमें स्प्रिंग की तरह कॉइलिंग है। तो उसका लेंथ एनिमल टू एनिमल डिफर करता है। जो हमारी हर्बीवोर्स है उनको अपने सेलुलर डाइजेशन के लिए चाहिए लंबा से लंबा इंटेस्टाइन, और आप जानते हैं कि हमारी काओ वगैरह ये जो है इनका इंटेस्टाइन का लंबाई 27 मीटर से लेकर 49 मीटर तक होता है, और हमारी जो टाइगर वगैरह हैं उनका इंटेस्टाइन 3 to 5 मीटर्स के अंदर होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये बहुत वंडरफुल ऑर्गन है, इसमें हमारी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा और फैट भी होगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको मदद करने के लिए आ रहे हैं, इसी तीनों की डाइजेशन सही ही तरह हो जाए, इसके लिए मदद करते हैं हमारे लीवर और हमारे पेनक्रियास। तो फिर पेनक्रियास, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक। देखो स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, इसीलिए सारा खाना हो गया है एसिडिक, पर इट हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो बोलेगा मुझे चाहिए अल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम नहीं चलेगा। तो फिर ऐसे में बाइल जूस आ जाएगा हमारी लीवर से, वो बोलेगा कोई बात नहीं हम आपके काम कर देंगे, और वो एसिडिक स्टोमक के एसिडिक खाने को वो कर देगा अल्कलाइन। कैसे, अपनी बाइल जूस से एक्टिंग, और इसके साथ साथ उसको तो अल्कलाइन करेगा खाना को, उसके साथ साथ वो फैट के ऊपर भी एक्ट करता है। कैसे, फैट का जो बड़ा बड़ा लार्ज ग्लोबुल्स है उसको वो छोटे छोटे ग्लोबुल्स में चेंज कर देता है। उससे क्या लाभ मिलेगा, उससे क्या होगा कि जो एंजाइम का एक्शन है वो फास्ट होगा। अगर बड़ा ग्लोबुल रहेगा कि सारे पार्ट तक, फैट की पार्ट तक एंजाइम नहीं पहुंच पाएगा, अब छोटा, उसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो फिर ये काम करता है हमारी बाइल जूस। बाइल सॉल्ट्स जो है ये ब्रेक डाउन इंटू स्मॉलर ग्लोबुल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, और ये काम बाइल जूस में होता है। बाइल सॉल्ट्स ये काम कर जाता है बड़ा ग्लोबुल्स को छोटा ग्लोबुल। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफिकेशन इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप के साथ, ये समान है। ऑन डार्ट्स भी यही हाल ही होता है। हमारी पैनक्रियास जो है ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, और ये पेनक्रेटिक जूस में होता है हमारी ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन का काम है, आप पहले पढ़े थे ना पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है प्रोटीन डाइजेशन, ऐसे ही हमारी ट्रिप्सिन और पेप्सिन भाई भाई जैसा है, ये भी करता है हमारी प्रोटीन डाइजेशन। और हमारी लाइपेज ये क्या करता है, ये फैट के ऊपर भारी पड़ता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, ये जो छोटे छोटे ग्लोबुल्स होता है फैट का, उसी को डाइजेशन के लिए हेल्प करता है हमारी लाइपेज। और वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेंट्स ग्लांड्स विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टाइन का वॉल में इंटेस्टिनल जूस सिक्रेशन होता है, और ये इंटेस्टिनल जूस ये भी हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। तो द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड। इंटेस्टिनल जूस जो है ये ऐसे हमारे इंटेस्टाइन में लास्ट को क्या होगा, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड को परिवर्तित हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज हो जाएगा, और हमारी फैट जो है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो जाएगा। तो इंटेस्टाइन में ये तीनों का डाइजेशन बराबर हो गया। नाउ ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जर्व होने के लिए तैयार है। देखो डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन।
तो फिर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है। हमारे इंटेस्टाइन जो है इसका इनर वॉल जो है इसमें बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बिल्ली। और ये बिल्ली ऐसे फिंगर लाइक क्यों होते हैं? क्योंकि इसी से क्या होगा, उसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया इट रिमेन्स इन ए फोल्डेड मैनर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दीज आर बिल्ली। तो फिर दिस बिल्ली आर सप्लाइड विद ब्लड सप्लाई सफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स व्हिच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो फिर बिल्ली में भरपूर सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होता है और उसी ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने लगते हैं ब्लड में और ये पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के सारे सेल चाहिए उनको खाना। तो फिर उनको खाना कौन पहुंचेगा, यही ब्लड वेसल्स सारे पहुंचाएंगे और ये ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइन से। वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग फूड, तो फिर हमारी बॉडी के सारे सेल को पहुंच जाएगा एब्जॉर्ब्ड फूड और उसी से मिलेगा एनर्जी। और इसी से अगर एनर्जी मिल जाए और फिर और क्या क्या काम आता है हमारा, एनर्जी ऑब्टेनिंग एनर्जी, ये जो एब्जॉर्ब फूड से बनता है एनर्जी, फिर आता है बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू भी होता है। और जो पार्ट अनऑब्जर्व रह जाता है वो पार्ट क्या होगा, अनऑब्जर्व फूड इज सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में और भी काम बाकी है, अगर इसमें एक्सेस वाटर है वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, और जो भी बाकी खाना रहेगा तो फिर वो एनस की जो अनडाइजेस्टेड फूड वो एनस की और बाहर चला जाएगा। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनस स्फिंक्टर, तो फिर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये वेस्ट मटेरियल कौन से टाइम में बाहर निकलेगा ये डिसाइड करेगा हमारी एनल स्फिंक्टर। दिस इज ऑल अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, विद दिस यू कंप्लीट दिस पार्ट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट चैप्टर अपलोडेड बाय मी।